UBN 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। ब्यारा राजगढ़ से रोहित निवाड़ी की रिपोर्ट। बात सुन रहे साथियों, ब्यारा में सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। सुशील प्रसाद सोशल मीडिया और मोबाइल से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। देखते रहिए UBN 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा विधानसभा उपचुनाव में 3 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी के समर्थन में राजस्थान से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ब्यावरा में जनसभा को संबोधित किया। वही भाजपा प्रत्याशी लगातार अपनी पूरी टीम के साथ जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय अमृत पार्टी के प्रत्याशी सोशल मीडिया मोबाइल फोन आदि से ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं, मतदाताओं से भी बात कर रहे हैं। सुशील प्रसाद जी ने बताया कि रोजाना 15-15 और 20-20 घंटे वह मोबाइल से मतदाताओं से बात करते हैं। उनका कहना है कि इस बार ब्यावरा विधानसभा की जनता उन्हें पूर्ण समर्थन दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी में फर्क करने में जनता भी दुविधा में नजर आ रही है। कुछ बिकाऊ बड़े नेता सामंतवादी हैं, जिन्हें कांग्रेस कहती है गद्दार है। कुछ नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, उनको दल बदलू, लालची और बिकाऊ कहा जा रहा है। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बीजेपी ने किसानों पर गोली चलवा दी। कांग्रेस ने ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। बीजेपी ने GST लगाकर जनता का रोजगार भी छीन लिया। कांग्रेस ने झूठे वादे किए, 20 वर्षों से ब्यावरा नगर पानी के लिए प्यासा है। बीजेपी ने ओल्ड AB रोड के नाम पर पगडंडी बनवा दी। कांग्रेस ने विकास के नाम पर केवल वादे किए, किसानों का समर्थन मूल्य खा गए। बीजेपी ने किसानों की फसल के नाम पर बीमा राशि खा गई। कांग्रेस ने 15 महीने के शासन में केवल तबादलों के नाम पर व्यापार किया। बीजेपी ने व्यापार भी किया तो कांग्रेस के MLA विधायकों को खरीदने में जनता के विकास का पैसा 1,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जनता को बर्बादी का तमाशा दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस ने खूब दिखाया। अब दोनों लगे हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में। डॉक्टर सुशील प्रसाद ने कहा, जो भारतीय अमृत पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने को ईमानदारी बताने महान दल बद्दू झूठे नेताओं को लेकर सभाएं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आकर जो झूठ बोलने में PhD की है, झूठे वादे करने रोज दोनों पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करने नए हथकंडे अपना रहे हैं। झूठ बोलकर पब्लिक को भी हंसा रहे हैं और खुद भी हंसते हैं। ऐसे बस एक नया विकल्प ही बेदाग है। भारतीय अमृत पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील प्रसाद पूर्व सैनिक हैं। उनका कथन है कि मैं स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, ईमानदारी से सारे काम जो बीजेपी और कांग्रेस आज तक 30 वर्षों में नहीं कर पाई है, मैं 3 वर्ष में पूरा करूँगा। बस जनता मुझे एक बार अवसर दे तो मैं ब्यावरा क्षेत्र को स्वर्ग बना दूंगा। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। के रूप में मैं आपके सामने इस चुनावी मैदान में मैं आपके सामने मौजूद हूं ताकि मैं आप लोगों के सारे अधिकारों को मैं आप तक पहुंचा सकूं, दिला सकूं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बहुत ही साफ लफ्ज़ों में बताना चाहता हूं कि ब्यावरा विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं वो सारे किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टियां अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं, ना कि उनको कोई अधिकार देती है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 50 वर्षों में आपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है और उनको आपने सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और आपके ब्यावरा शहर बात सुन रहे हैं साथियों। हमेशा का इतिहास रहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत आशीर्वाद, पर अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। अब एक बार लाज रख देना, एक बार मिलम अपील है मेरी, हाथ जोड़ के। अब सोच लो एक बार दो बार तीसरी बार मिलो तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो इसलिए मेरी बहुत विनम्र अपील है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस बार जरूर आप सब लोग दया करेंगे और निश्चित रूप से आप सबको दया आ रही होगी। और आप जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, आप सब जगह अभी 2 दिन बचे, मेरे लिए एक बार काम कर दे। मैं ईश्वर की सौगंध और सचिन पायलट साहब की सौगंध खा के कह रहा हूं कि पूरी तरह से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी के साथ जनता के साथ खड़ा रहूंगा। जो भी असंभव क्षेत्र का विकास होगा उसके साथ उसका काम करूंगा। और बस एक बार मेरी नैया पार लगा दे, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक निवेदन है।
और जय जय नारायण भगवान।